आज एक नया इंटरेस्टिंग आइडिया वाला वीडियो दिखाएंगे। ये एयर कंप्रेसर से ऑल टू व्हीलर में कैसे एयर प्रेशर भरेंगे, कैसे चेक करेंगे। कोई भी पुराना बैटरी से ये चलेगा। ये 12 वोल्ट डीसी एयर कंप्रेसर है। कितना प्राइस है, कहाँ मिलेगा, एयर प्रेशर कितना रहता है चक्का में, डिटेल्स दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प MK। आज आपको दिखाएंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो। ये है एयर कंप्रेसर। कोई भी टू व्हीलर में, ऑल टू व्हीलर में ये एयर कंप्रेसर से आप एयर दे सकते हैं और कितना एयर है आप चेक कर सकते हैं। ये डीसी एयर कंप्रेसर है। कोई भी 12 वोल्ट बैटरी से चलेगा। आपको अलग अलग बैटरी से हम चला के दिखाएंगे और इस गाड़ी के साथ जो कनेक्शन आता है उस कनेक्शन से जोड़ के भी ये चला के दिखाएंगे। हवा दे के दिखाएंगे, कितना हवा है वो चेक करके आपको दिखाएंगे। प्रैक्टिकल यूज़ करके आज दिखाएंगे। सामने चक्का, पीछे चक्का, दोनों चक्का यार दे के हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, ये लिखा है एयर कंप्रेसर 250 PSI तक देगा, 18 VAR तक। और ये वोल्टेज है DC 12 वोल्ट वाट 80, मतलब 80 वाट। तो देखिए, ये एयर कंप्रेसर कोई भी ऑल टू व्हीलर में होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत काम का चीज़ है। क्यों? तो देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर में जब भी एयर कम हो जाता है, पीछे चक्का या सामने का चक्का एयर कम हो जाता है, तो माइलेज बहुत कम हो जाता है। हम लोग देखे हैं प्रैक्टिकली, ज़्यादातर माइलेज कम हो जाता है एयर प्रेशर के लिए। अगर चक्का में एयर प्रेशर कम रहेगा तो माइलेज कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में हो या इंजन स्कूटर या मोटरसाइकिल में हो, कोई भी मोटरसाइकिल और स्कूटर हो तो माइलेज कम होता है एयर प्रेशर के लिए। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये एयर प्रेशर कम रहता है तो आपका 10 से 15 माइलेज कम हो जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। और मोटरसाइकिल जो होता है, इंजन मोटरसाइकिल स्कूटर, उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन चीज़ यही है, आपका गाड़ी का एयर प्रेशर ठीक रहेगा, चक्का का एयर प्रेशर, तो माइलेज सही मिलेगा, ये जान लीजिए। तो हम आपको दिखाएंगे ये पीछे का चक्का एयर दे के। और एक चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो पीछे का चक्का होता है वो चक्का के साथ ही मोटर रहता है, तो उसमें खोलने में लगाने में दिक्कत होता है। तो आप खुद ही ये सर सकते हैं, हवा दे सकते हैं, हवा चेक कर सकते हैं। अगर आपका ट्यूबलेस टायर है तो चक्का खोलने का ज़रूरत नहीं होता है, जिसका ट्यूबलेस टायर लगा हुआ रहता है। तो पंचर सरने का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम एक वीडियो करके यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। और ये एयर कंप्रेसर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन पर जाके खरीद सकते हैं। और अभी जो एयर कंप्रेसर का प्राइस चल रहा है वो 400 के आसपास होगा। तो चलिए, अभी आपको हम एयर दे के दिखाते हैं पीछे चक्का में, और इसका जो डीसी कनेक्शन होता है गाड़ी के साथ कैसे करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो पहले खोल लीजिए, और ये जो मुँह है, इसका जो नॉब है, ये नॉब देखिए वॉल पिन में घुसा दीजिए, टायर का वॉल पिन में, और ये लॉक दबा दीजिए, बस होगा। तो देखिए, ऐसे घुसा दीजिए ऐसे, और ये लॉक दबा दीजिए, बस हो गया। उसके बाद हवा देते हैं। तो देखिए मीटर उठेगा, कितना आपका हवा है इसमें उठेगा। देखिए अभी ये दिखा रहा है जितना हवा है, लगभग 20 है। तो हम हवा देंगे और कितना देना चाहिए इस मोटर पर वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन दिखा देते हैं। देखिए इसका जो कॉर्ड है, प्लग, ये प्लग डायरेक्ट ये ऑप्टिमा मॉडल में यहाँ पर घुसाना है। ऑप्टिमा प्लस में ये रहता है, देखिए जो मोबाइल चार्जर कॉर्ड रहता है वहाँ पर लगाने से चलेगा। देखिए लगा दिया, चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है आवाज़। देखिए ये मोटर चल रहा है, एयर कंप्रेसर चल रहा है। तो इसमें एयर होगा, आपका टाइम लेगा 2-3 मिनट से आपका हो जाएगा, ठीक है। वो निर्भर करता है, जितना आप प्रेशर देंगे, हवा देंगे, उतना टाइम लगेगा। तो इसमें अभी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 20 से ज़्यादा उठ रहा है। तो इसमें रहेगा आप प्रेशर कितना आपको बता देते हैं। पीछे का चक्का रहेगा 32 PSI और फ्रंट का चक्का रहेगा 29 PSI, ये कंपनी बोलता है। आप पीछे का चक्का 35 दे सकते हैं, सामने का चक्का 30 दे सकते हैं, क्योंकि लोड थोड़ा चढ़ जाता है इसीलिए। तो चलिए अब सामने का चक्का दिखाते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी दे के कैसे आप हवा भरेंगे। तो देखिए ये सामने का चक्का भी सेम प्रोसेस है, अब लॉक लगा दिया और बैटरी
12 वोल्ट आपका जो गाड़ी का बैटरी है उससे ही ये मोटर घूमेगा, आपको हवा देके दिखाते हैं। और इसका जो कनेक्शन होगा, ये जो लाल वाला बीच में रहता है प्लस लगेगा और जो साइड में रहता है वो माइनस लगेगा। कनेक्शन नहीं घूमने से इधर उधर आप कर सकते हैं, मोटर कुछ नहीं होगा। और मोटरसाइकिल का जो बैटरी होता है छोटा वाला 12 वोल्ट बैटरी, उससे भी चला के हम दिखाएंगे। तो देखिए ये भी चल रहा है, तो ऐसे ही करके भी आप हवा दे सकते हैं। जिसका गाड़ी में मोबाइल चार्जर वाला अडाप्टर नहीं है सीट का नीचे, तो वो लोग ये बैटरी से चला सकते हैं। पुराना बैटरी से ही चलेगा, नया बैटरी नहीं चाहिए। 12 वोल्ट आपका गाड़ी का जो पुराना बैटरी है उससे ही चलेगा। और जिसका लिथियम बैटरी है 48 वोल्ट या 60 वोल्ट उसका भी चलेगा। सीट का नीचे जो कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर में दो तार निकलता है, एक रेड और एक ब्लैक, तो उसमें 12 वोल्ट देता है आउटपुट, उस पर कनेक्शन करने से मोटर चलेगा। तो चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं मोटरसाइकिल का बैटरी में कैसे हवा देंगे आप। तो देखिए ये है मोटरसाइकिल का 12 वोल्ट बैटरी, इससे कनेक्शन कर दिया तो मोटर चल रहा है। कोई भी 12 वोल्ट बैटरी से चलेगा, अभी जो नया मॉडल है सेल्फ का बैटरी है उसमें भी चलेगा। तो देखिए ये फ्रंट का चाखा ये हवा दे रहा है। तो ऐसे कोई भी मोटरसाइकिल में आप चला सकते हैं, ऑल टू व्हीलर पर, कुछ कुछ फोर व्हीलर पर भी ये एयर कंप्रेसर काम में आएगा। इसमें आप बैलून फुला सकते हैं, साइकिल में दे सकते हैं। देखिए अलग अलग सा ऐसे मुंह देगा, ये अलग अलग सा नॉब लगा के आप साइकिल, बैलून या फुटबॉल फुला सकते हैं। और ये मिनी एयर कंप्रेसर आपको चाहिए तो मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जाके आप ये खरीद सकते हैं। इसका अभी प्राइस चल रहा है 400 के आसपास। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह नया नया वीडियो पाने के लिए।